आप देख रहे हैं जयवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मकराना से है, जहां थाना क्षेत्र के सैर बोराड में एक कॉलेज संचालक पर नौकरी पर रखने के पहले दिन ही ड्राइवर की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज संचालक के खिलाफ मकराना थाने में मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि बोरावर निवासी दलित महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति 8 वर्ष पूर्व आरोपी लाल मोहम्मद खान पुत्र सराज खान के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसका पति अभी बेरोजगार था। वह 6 नवंबर 2022 को लाल मोहम्मद के पास काम मांगने गया था, तो लाल मोहम्मद ने कहा कि काम तो दे दूंगा लेकिन मेरे यहीं रहना पड़ेगा। उसने पीड़िता के पति को बंद पड़ी आईटीआई कॉलेज में परिवार सहित रहने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर वह अपने पति के साथ उसी दिन आईटीआई कॉलेज देखने गई तो आरोपी ने उन्हें पेड़ पौधों की देखरेख करने व पानी पिलाने व कॉलेज की साफ सफाई करने के एवज में 7,000 रुपये महीना देने की बात कही थी। पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार को उसका पति उसे लेकर बंद पड़ी आईटीआई कॉलेज लेकर गया था। वह उसे वहाँ छोड़कर वह किसी काम से बाहर चला गया। वह कॉलेज की साफ सफाई में लग गई। इसी दौरान करीब 12 बजे आरोपी कॉलेज पहुंचा। वह वहां के चौकीदार को किसी कार्य से बाहर भेजकर कॉलेज में बने कमरे में बैठकर चाय पीने की इच्छा जाहिर करते हुए चाय बनाने का बोला, जिस पर पीड़िता ने चाय बनाकर चाय का कप लेकर कमरे में गई तो आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम व दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को किसी को बताने या पति को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। पीड़िता ने अपने पति को आपबीती बताई और थाने पहुंचकर रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक रविराज सिंह कर रहे हैं। मकराना से ब्यूरो रिपोर्ट, जयवन राजस्थान न्यूज़।